हाँ तो भाई लोग देख सकते हैं कि रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था पीछे, हम लोग जैसे तैसे कर गए, गड्डी का टायर उसमें फंस गया था, हम लोग निकाले और निकल कर रहे, झरना फरना देख रहे हो, यहाँ पूरा सड़क टूट गई है, पूरा पूरी सड़क टूट गई है, यहाँ 1 किलोमीटर पूरा सड़क पूरा धस गया है, तो मलबे को मिट्टी डाल डाल के सड़क को चालू किया गया है, देख रहे हैं भाई लोग कितना गड्ढा हो गया है, कहीं से पानी निकल रहा है, सब गुड्डू मुस्लिम का गेम है, लैंडस्लाइड हुआ है, पूरा रास्ता जाम है, लाओ हम बजा देते हैं, एक हम बजा देते हैं, बस तुम किस कनेक्ट करवा के यहाँ फेंक दे पैम मोबाइल करे ये लोग करा तब हम इनका 3-5 करते हैं, ये यार सुन रहा खाई खराब हो गई, ये पकड़ा हुआ है, लीड लिया है ना, लगा के सुन रहा बहुत तगड़ा फटे, हाँ तब क्या से लीड लगाया सुन रहा वो भाई टाइम नहीं पकड़ा है, टाइम पकड़ा है अपन टाइम नहीं देते, देख सकते हैं आप कितनी ही जबरदस्त लैंडस्लाइड हुई है यहाँ पे, पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक हो रखा था, अभी सुबह ये चालू हुआ है इसलिए बारिश में यहाँ थोड़ी सी दिक्कत होती है, मान के चलो ये भी अभी आने वाला रास्ता बंद होगा क्षतिग्रस्त हो गया, इस समय थोड़ा बच के चलने लायक है क्योंकि रास्ता बहुत ही ज्यादा यहाँ पे लैंड स्लाइड हो रहा है, बहुत ही ज्यादा लैंड स्लाइड हो रहा है इधर, बरसात के मौसम में थोड़ा रिस्की रहता है, सारा काम शुरू कर दिया है, अब इधर भी ट्रेन वगैरह आने जाने की सुविधा होगी, तो कार प्रगति पे है, सभी सारे यहाँ पे टूनल बनाया जा रहा है, अभी तो सब हम लोग हाईवे से जा रहे थे, फ्यूचर में ट्रेन की भी व्यवस्था हो जाएगी अच्छे से इधर आने जाने के लिए, सब आप देख रहे हैं पूरा दृश्य इधर का, हाँ तो भाई ये तो पूरी तरह से बंद पड़ा है, लगता है कई सालों से पूरा उखड़ गया है, मैंने अपनी गड्डी के पास वहाँ था, पानी नहीं था, मैंने सोचा कि इधर आके पानी लेता हूँ, ये कुर्सी को देख के मैंने सोचा कि यहाँ पे होगा कुछ पानी का, वैसे यहाँ पे झरने वगैरह तो है नहीं, आगे होंगे, पानी लेना था, वो गड्डी रुकी भी है, मैं बता दूँ वो ड्राइवर जिसको मैंने टैक्सी किया था उसको पेमेंट करना था, तो हाफ पेमेंट मैंने कर दिया, वो फुल पेमेंट मांग रहा था, तो मैंने बोला कि अभी हम पूरा फुल पेमेंट नहीं करेंगे, हम दर्शन कर लेंगे, बद्रीनाथ चलेंगे, वहाँ करेंगे, अभी नहीं करेंगे, रास्ते में क्या हो जाए क्या नहीं, लेकिन वो मान ही नहीं रहा, बोल रहा कि पैसे चाहिए, तो मैंने भी उसको मना कर दिया, भाई अभी पैसे मैं नहीं दूंगा, ऐसा आप लोग भी टैक्सी में कहीं जाइए हाफ ही पेमेंट करिएगा, पूरा फुल पेमेंट मत करिएगा, मेरे साथ एक बार ये ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं सतर्क हूँ, इसलिए मैंने उसको हाफ पेमेंट किया है, हाफ पेमेंट पूरा यात्रा करने के बाद मैं उसको करूँगा, ऐसा ही करना आप लोग भी, देख रहे जीत पे खड़ा है, अभी देखते हैं कब तक चलेगा वो, पानी भी नहीं मिला यार, गला सूख रहा है, मन कर रहा है यहाँ नदी बह रही है वहाँ पे चले जाए पीने के लिए पानी मिल जाएगा, फाइनली यार हम लोगों की गाड़ी अब चल पड़ी है, हम लोग निकल दिए हैं, जो कुछ भी होगा वो हम आपको YouTube में भी बताएंगे, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में, तो फिलहाल हम देख रहे हैं सब लोग अब बैठे हैं गाड़ी में, गाड़ी हमारी चल रही है, तो चलते हैं, जय केदार बाबा की, हाँ फिर से क्या भेजिए, ये क्या चीज़ है, कच्ची गहरी है, कैसे लगता है खाने में, मीठा लगता है, आप खाए हो, खाए हो, एक खा के दिखाओ,
मैं लूंगा एक, एक खा के खाओ खाओ। चलो भाई लेते हैं, कच्ची गई खा रहे हैं, छोटी सी बच्ची। स्कूल नहीं जाते हो? क्यों? नेपाल जाती, नेपाल घर है। अच्छा नेपाल घर है, फिर भी स्कूल नहीं जाते हो? और कौन रहता है इधर? ये मिर्ची डाल रही हो यार। हम लोग गाइस ले रहे हैं राशन, राशन की दुकान पे आए तो कुछ लेना था, तो राशन थोड़ा सा बचा है फिर थोड़ा सा ले रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ गड्डी वो अपनी जिद पे अड़ा था, हम भी अपनी जिद पे अड़े थे, ले अब वो गड्डी लेके चल रहा है, पूरा लेके चलेगा फिर वापस लेके आएगा, फिर हम उसको पैसे देंगे। बात सही है भाई, वो गलत बात कर रहा था तो मैं सही कर रहा था।